करण ओजला का गाना आ चुका है डिवाइन के साथ 100 मिलियन, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा सॉन्ग लगा है। थोड़ा सा म्यूजिक डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, बाहर के बंदों ने काम किया है, पर फिर भी ठीक है। जो डिवाइन का रहा है वो मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा वो गाते हैं। ठीक है जी, इसको आज हम लास्ट तक देखेंगे कि इसमें जो है क्या काम हो रखा है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका एक सब्सक्राइब लाइक शेयर मेरे लिए सपोर्ट बन के काम में आता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम इसको डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या काम हो रखा है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो गाना वो कैसा लगा है, म्यूज़िक कैसा लगा है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जो है व्यूज़ में देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और कमेंट और लाइक्स बहुत कम रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर किया करें। आपका कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री में आपको मैं सिखाता हूँ। किसने अगर वोकल प्रोसेसिंग का कोर्स बाय करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके जो है वो बाय कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जिसने भी जो भी जिसको चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकता है। ड्यून 3 को हमने यार में फर्स्ट जो है स्टेम में यूज़ कर रखा है। यहाँ पे हमने साउंड बैंक यूज़ किया है की चिलियम आइसलैंड करके, सुन के देखते हैं हमने क्या चीज़ यहाँ पे बना रखी है। थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम जो है वो लोड हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, तो साथ में बने रहिएगा, आपकी सपोर्ट मेरी जो है वो काम में रहती है। दोबारा से ट्राई करते हैं हम इसको, इसमें जो है वो क्या चीज़ आ रही है एक बार मास्टर में देख लेंगे, कोई चीज़ डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। ठीक है जी, चलो सुन के देखते हैं। दो कोड पे जो है वो काम हो रखा है, एक जो कोड रहेगा आपका एफ माइनर रहेगा, दूसरा कोड रहेगा जो है ए शार्प माइनर काम रहेगा। तो क्या काम हो रखा है किक में, किक के साथ इन्होंने सबको यहाँ पे यूज कर रखा है, कुछ इस तरीके से है ड्रम सेक्शन बने हुए हैं, साथ में प्रकर्शंस आ जाएंगे। साथ में स्नेयर भी आ जाएगी। जो मैं गाना सुन रहा था मुझे उसमें जो है प्रकर्शन वो लेफ्ट में पैन नजर आ रहे थे और जो स्नेयर है वो राइट में पैन नजर आ रहे थे, उसको हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसकी पैनिंग कर रखी है। टैम्बोरिन किस तरीके से डाल रखे हैं, बिल्कुल एक से एक जो है स्टेप में रखे हुए हैं यहाँ पे। दोबारा से सुन के देखते हैं, साथ में कोर्ड्स भी आ जाएंगे। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे बनाने में, आधे घंटे का काम था। तो बेस में क्या चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर रखी है, तो वो बेस हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, बेस को हाई पे है, मिड पे लो और ट्रेबल को भी लो कर रखा है। किस तरीके से बनाया सुन के देखते हैं। इसी बेस को आगे थोड़ा सा और भर दिया है, तो जो लीड में बेस लगता है उसमें थोड़ा सा बेस भर के आता है, सेम चीज़ रहेगी, बस बेड की जो है यहाँ पे थोड़ा भर के रखा हुआ है। कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जो भी कोई चीज़ पूछेगा उसका जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ सभी को।
3x ऑसिलेटर में 36 पे इसको रखा है, 12 पे इसको रखा है यहाँ पे वाइट नॉइस के साथ। तो क्या चीज निकल के आई हमारे पास साउंड डिजाइनिंग में, यहाँ पे सुन के देखते हैं। मैंने सारी बारीकियों पे काम करने की कोशिश की है कि हर एक चीज़ जो गाने मेरे को सुनने को मिली है तो आपको भी वो चीज़ बना के दिखा पाऊँ। तो ये चीज़ उसमें प्ले हो रही थी तो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है साउंड डिज़ाइनिंग करके। कुछ और चीज़ें प्ले हो रही थी पैनिंग के साथ तो मैं वो भी बनाने की आपके सामने ट्राई करूँगा। तो मैंने हिट अप टू के सामने ये जो है लीड्स में जाके लाइट्स आउट का प्री सेट लेके हमने यहाँ पे एक चीज़ तैयार की है। तो ये बहुत बारीकियों में काम हो रखा है। जब आप गाने को सुनोगे तो आपको बारीकी में सुनेंगी ये सब चीज़ें। सुन के देख लेते हैं कि किस तरीके से सुनेंगी। एक पियानो का कोड भी लगता है बड़े प्यार के साथ कुछ कुछ जगह पे, तो वो भी हमने लगाने की यहाँ पे कोशिश की है। हीट अप टू के अंदर हमने कीज के अंदर हमने यहाँ पे स्वीट ड्रीम्स का एक प्रीसेट ले रखा है। तो इतना काम था, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको गाना जो है वो कैसा लगा है। सुन के देख लेते हैं एक बार दोबारा से। तो यहाँ पे मेरा जो है वीडियो की वजह से सिस्टम लोड हो रहा है, तो हमने पहले ही सुन लिया कि गाना किस तरीके से काम में आ रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, कमेंट जरूर करें। मेरी बहुत सारी मेहनत लगती है इसको एडिट करके बनाने में, तो मैं सिर्फ आपके लिए करता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ जो है वो सीख पाएं। थैंक यू सो मच गाइज, फिर से मिलेंगे। जय श्री राम, राधे कृष्णा, बाय बाय गाइज।